टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। इस मैच के शुरू होने के पहले चलिए देखते हैं टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान में से किसका पलड़ा भारी रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप के दौरान 5 मैच हुए हैं। ये सभी मैच टीम इंडिया ने जीते। 2007 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला मुकाबला टाई रहा था, जिसे भारत ने बोल आउट से जीता था। इसके बाद पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 फॉर्मेट का पहला विश्व कप अपने नाम किया। भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर है। कोहली ने 3 मैचों में 169 रन बनाए हैं। इसके बाद 5 मैचों में 100 रन बनाने वाले शोएब मलिक दूसरे नंबर पर हैं। आगे लिस्ट में मिसबा उल हक ने 96, उमर अकवल ने 76 और गौतम गंभीर ने 75 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी भारतीय खिलाड़ी आगे हैं। 3 मैचों में 6 विकेट के साथ इरफान पठान पहले पायदान पर रहे। नंबर 2 पर मौजूद मोहम्मद आसिफ ने 5 विकेट झटके। इसके बाद आरपी सिंह और उमर गुल ने 4-4 विकेट लिए, जबकि लक्ष्मीपति बालाजी और शाहिद अफरीदी के खाते में 3 विकेट आए। भारत पाक टी20 वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज्यादा 2 अर्धशतक विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिले, जबकि 1-1 अर्धशतक गौतम गंभीर, मिसबा उल हक और रॉबिन उथप्पा ने लगाए। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 5 छक्के मिसबा उल हक ने लगाए। इसके बाद विराट कोहली ने 4 बार गेंद को बाउंड्री पार कराई। 3 छक्के रोहित शर्मा के बल्ले से निकले। सभी रिकॉर्ड में आगे रहने वाले भारतीय खिलाड़ी 0 पर आउट होने के मामले में भी आगे हैं। 3 मैचों में गौतम गंभीर 2 बार बिना रन बनाए वापस लौटे। इसके अलावा कामरान अकमल, सुरेश रैना, शाहिद अफरीदी और उमर गुल 1-1 बार 0 पर आउट हुए।